किन्ने दी कोल्हापुरी पहली बजे हां 1250 रुपए साइज मिल जाएगा जैसे बजे क्या फैंसी चाहिए फैंसी मिल जाएगा हां तो मेरे भाई हैंडमेड चीज है फिजिकल कॉस्ट देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा पापा की तरह और एक खुद से सादे कितने देने हैं अपन ये भाई 1100 दिखाइए इधर साइज क्या साइज चाहिए 10 दिखाइए तो जी इतने वाइट पहनना है उसके लिए लिबर्टी मार्केट आई हूँ कुछ घूमने ये शर्ट है और इसका दुपट्टा बटा सेम है बॉर्डर के साथ है सेम बॉर्डर में है ये सेम तो नहीं है किसी के साथ भी ले लें ये इसके साथ सेम है ये दुपट्टा ही है ये दुपट्टा ये शर्ट है सबके साथ ऐसे ही दुपट्टे बने हैं 350 रहना 350 चलो खुस्सा प्लेनेट चलते हैं भतीजे के लिए ये भी है और ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा कंफी सा चलो पहले कपड़े देखते हैं फिर ये कितने का है सेट ये वाला 1250 का एक सेट है और ये कांच की है नहीं मेटल है साहब ये कितने की 450 की दर्जन पता है भाई जी ये कितने का है शर्ट दुपट्टा आपको पड़ेगा भाजी 15,000 में आपको साइज मिल जाएगा कितने का दे रहे ने कहंदा 1800 का कहंदा 1700 का कितने की पड़ेगी फुल शर्ट पड़ेगी आपको तकरीबन कोई 7000 सिर्फ शर्ट जी यस शर्ट ये कितने का है वाइट 5500 नहीं दुपट्टे के साथ दुपट्टे के 8500 शर्ट दुपट्टा और सिल्क पे भी है सिर्फ शिफॉन है ये जो सिले हुए हैं ये भी बेचने के लिए हाँ जी एडिट हुए हैं वो वाइट शर्ट जो डमी ने पहनी है कितने की है 25,000 रुपए का ट्राउजर के साथ दुपट्टा है आज बाजी आज अल्लाह खुश रखे सपनों में आने वाले बाजी सपनों में ओ अगे ज्वेलरी वाले ते नाल ही सी फ्रॉक स्टाइल की 12,000 की खादी कमीज इस तरह का भी होता है 9,500 का शर्ट ये भी बॉर्डर के साथ है नहीं मतलब उसके साथ का नहीं है दुपट्टा किसके साथ उसके साथ का इसके साथ आते ये दुपट्टे इसके साथ आते ये दुपट्टे इसमें गोल्डन है सिल्वर है सिल्वर गोल्डन क्यों लग रहा है सिल्वर इसके साथ ना वैसे ये दुपट्टा ज़्यादा डील लग रहा है
क्योंकि टिक्की डिज़ाइन है ना तो ये दुपट्टा ज़्यादा एंटी है। अगर आप डाई भी करवाना चाहें ना तो डाई नहीं चाहिए तो वाइट ही। एक्चुअली वैसे ही बात कर रहा हूँ। और कोई डिज़ाइन एक दिखा, ये लंबाई में बनेगा जी ऐसे बने। ये भी अच्छा पैटर्न। हाँ ये लाइनों वाला नहीं चाहिए, लाइनों वाला है मेरे पास। ये दुपट्टा कहेंगे ये मिल जाएगा आपको, अगर वो मुकेश में कहेंगे मुकेश में। ये कौन सी सिल्क पे कढ़ाई हुई है? प्योर रॉ सिल्क। ये बीच में ये खराब भी है, वो तो उधर से दे देंगे, वैसे ही खड़ी है का निशान होता है जब मशीन पे लगता है। ट्राउजर सब चाहिए मुझे साथ, वो तो मिल जाएगा आप ही मुकम्मल ड्रेस बना के। ट्राउजर किस कपड़े का होगा? रॉ सिल्क का, प्योर का। ये चीज में ये सारे लाइनो टाइप के डिजाइन है, कोई जाल नहीं होता ये बूटी वाला। लाहौर आऊँ बाजार और ये ना खाऊँ, ये कैसे हो सकता है? मिसाला थोड़ा सा दरमियाना ही डालें, ये तो बहुत कम है। जिंगर बर्गर की जी, खाली चिकन भी है या सिर्फ बर्गर की है? बर्गर की और चीज की। फ्लेवर कौन सा है? चॉकलेट वाला। बेटी खुश होना है मोमो ने, चल इधर आ, हां ये खुश हो जाएगी, चलो जी चल भी तुड़ के बता दी। इधर से उधर जाओ। ऐसे किसकी नकल उतार रही हो? मोमो की। कैसे चलती है मोमो? अच्छी लगती है मोमो? हाँ है ना, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत वो है, खूबसूरत नबील की बीवी। हाँ नबील तो फारिग है। आंटी सच्ची में नबील को ना दिखाना, मुझे कुटने आ जाएगा इधर। उसको क्या पता चलेगा कहाँ? नबील क्या मखाने को देता जो कुटने आ जाएगा? नबील मखाने को देता जो कुटने आ जाएगा? दिखा दो। जी जनाब, आज मैं पहुंची लाहौर। दो दिन ही कराची में रही और फिर लाहौर आ गई। पहले शो के लिए आई थी, गपशप के लिए, और दो दिन कराची में रह के उसके बाद मैं वापस आई अपने वो इश्क ना पूछे ज़ात के शूट के लिए। इंशाल्लाह ईद के बाद उसकी कोई डेट डिसाइड होगी और आप लोग उसे देख सकेंगे। आई कांट वेट, मुझे तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि इसका मैं का लुक क्या है, ड्रामे का कैसा बन रहा है एडिट होने के बाद। तो इंशाल्लाह ईद के बाद, बिकॉज एक तो ये कि देवर लुकिंग फॉर अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर अ गुड चैनल, और दूसरा ये कि रमज़ान में ज़रा लोगों की व्यूशिप इतनी ज़्यादा नहीं होती, सो दे वो वेटिंग के रमज़ान ख़त्म हो तो फिर उसके बाद प्लान करें। तो मैं जब आई तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड इरसा के साथ नीचे लिबर्टी घूमती रही। नबीहा के लिए मैंने वो वाइट सूट लिया, आपने देखे ही होंगे मोमेंट्स, हम लोग कैसे स्ट्रोल करके जा रहे थे इधर उधर। फिर शक्करकंदी खाई हमने, उसके बाद फिर कोन खाई, कोन स्प्लिट कर ली हमने आधी आधी मैंने और इरसा ने, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और हमें लगा कि इतना शायद हम ख़त्म ना कर सकें। तो वैसे भी कोन में सबसे मज़े की चीज़ उसका जो वॉफल होता है, वॉफल कोन या उसका बिस्किट जो होता है वो सबसे मज़े का होता है। सो हमने वो कोन खाई, उसके बाद थोड़ा घूमते रहे ऐसे ही, खुसा शॉपिंग की। नबीहा के लिए मैंने वाइट सूट लिया, फौजिया और कुलसूम के लिए मैं कपड़े देख रही थी लेकिन मुझे कुछ इतने अच्छे नहीं लगे, सो आई हैव देम स्टिच्ड, वो कराची से कपड़ा लूँगी। तो बस अब कल सुबह 9 बजे मेरी गाड़ी आएगी, शूट पर जाऊँगी, शूट पर थोड़े बहुत मोमेंट्स आपको दिखाऊँगी दोबारा, और उसके बाद फिर ये दिखाऊंगी कि
रमज़ान का क्या लुक होता है, रोज़े में हम लोग कैसे शूट करते हैं, काम की इंटेंसिटी तो वही होगी, कम नहीं होगी, और दिन में मैंने सुना है यहाँ पे गर्मी भी होती है। ठीक है, मतलब इतना बुरा मौसम नहीं है, कराची जैसा ही है। तो बस अब इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि याया की तबीयत कुछ सही नहीं रह रही। अभी उनका पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, जो कि कल का मोस्ट प्रॉब्ली, तो ईमान जाएगी साथ, तो लेट्स सी क्या कहते हैं, क्योंकि उन्हें रिब्स में पेन हो रहा है। तो मैं उनके पीछे पड़ी रहती हूँ कि आप लेटे ना रहा करें, उठ के चलें, सोफ़े पे बैठ जाएं, तो इरिटेबल भी हो जाते हैं। बट ये है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती हूँ उनके साथ इन मामलात में, कि खाना प्रॉपर खाना है, मूवमेंट अपनी रखनी है। तो बस अल्लाह खैर करे, अब उनके इंजेक्शन की डेट का वेट कर रहे हैं लाहौर में, अगर वो आ गई तो फिर से आना पड़ेगा, जो कि वो कंफर्म करेंगे या तो 25 को है, अगर आ गई डेट तो फिर मैं हो सकता है अपनी वापसी जो है वो आगे करा लूँ, और या को यहाँ बुला लूँ, तो फिर मैं उनके साथ रहूँगी और हम दोनों वापस चले जाएँगे साथ। तो इस तरह का कुछ प्लान करते हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। तो बस यही अपडेट थी अभी तक की। तो चलें, सुबह मुलाकात होती है आपसे इश्क ना पूछे जात के साइड पे। मोस्ट प्रॉब्ली 2 दिन इन्होंने आउटडोर्स रखी हैं, सो विल बी हेयर एंड देयर। तो लेट्स सी, वरना फिर आपसे कल रात को शूट के बाद मुलाकात होती है। तेरे बूट ते एडे मशहूर हो गए ने कि घूम ही नहीं सकते। कैसा जबरदस्त हवेली है। इधर जाने से उधर जाने, इधर नु जाना। अच्छा, ग्लास तो होके चंगी तरह बना बंदे के लिए उनको बता दे। ए की पेड़े, ए पेड़ा ते चपेगा, हां जी लस्सी च, लस्सी पे दो ग्लास। ए केड़ा रफीक बट दी लस्सी मिलवे फीका। अच्छा, माजी 11 तो 12 हो गए, 13 हो गए, 13 हो गए। कुछ दस दे भी जाओ की पांदे जा रहे हो, असी कराची वाले हैं, ठीक है ना, हो जा। ते ए कदू पेगा? ता हुन पेगा, टाइम हो गया। अच्छा चलो, ये खोया है, पेड़ा खोए दा ही होंदा ना। हां जी, खोए खोए सब कोल के करे वखरा कुछ।
दो दिन बंदा लस्सी ना मेरे मुंह च डग लास आओ एग्जैक्टली आनी चाहिए कोई कोई गल पहले ले लो आप वाले ते मैं होटल तक मजा आ गया साइज तक आई आओ भाई अगे हो अगे हो अगे हो आ दो कुड़ियो चक मसुमा चक हाले ते चक्की नहीं तू ड्रामे बाज क्यों तुसी क्यों डर रहे ठीक है दसो कैसी पढ़ते क्यों नहीं है डरते क्यों चल भाई हरभजन वेजिटेरियन लस्सी पी के दस कैसी जी मैडम पी आजकल लस्सी हो गई लस्सी लस्सी हो जाना काम पी सर पी बेबी है बेबी को नहीं मिली ना नहीं नहीं बेबी एंड एक मेरा ग्लास अच्छा मैं गया बंब काम हो रहा है फिर माने ये लस्सी मुझे पच जाए अच्छा फोटो हैवी बट गुड ये जो है खुसा और ये झुमके प्यारे से और ये सूट जिसका ट्राउजर मैंने पहन लिया है ये मुझे इरसा ने लेके दिया है गिफ्ट और ये जो मैंने नबीहा के लिए सूट लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे तो पता नहीं चला लाइटों में तो वो मैं सिलवाऊँगी तो फिर उसका स्टाइल सही ज़रा सामने आएगा बट मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ यह है जी इसकी शर्ट इस तरह का डिज़ाइन है इसमें थोड़ा सा सिल्वर भी है ये इसका ट्राउज़र है शमीज़ है और ये दुपट्टा है जी ये दुपट्टा है। चलें जी अब मेरी तैयारी है मैं वापसी के लिए अब बस दो चार चीज़ें जो रह गई थी वो रख रही हूँ सामान में इफ्तार तो मेरा जाते हुए भी एयरपोर्ट पे ही होगा क्योंकि 5:15 बज गए हैं और 6:50 पे मेरी फ़्लाइट है टू कराची ईमान को कल मैंने खुशखबरी सुनाई कि मैं एक दिन पहले आ रही हूँ तो इतनी खुश हो गई याया वाज़ आल्सो हैप्पी याया बेहतर हैं कल मजीद भाई भी गए थे मिलने और डॉक्टर नदीम भी मिलने गए थे तो वो बड़े इनकरेज्ड फील कर रहे थे उनकी बातें सुन के उनसे बातें करके तो आई वाज़ हैप्पी टू सी हिम लास्ट नाइट जब बात हुई है तो हम लोग शूट से आए होटल तो मैं तो बिल्कुल 2 घंटे सोई हुई थी आई स्लेप्ट फिर मैं उठ के नीचे गई सैरी करने और सैरी करके ऊपर आके नमाज़ पढ़ के फिर कोई 1 घंटा जागी फिर उसके बाद सो गई तो बस सारा दिन ऐसे ही लेज़ी डे ही मनाया मैंने कुछ चीज़ें कुछ मैसेजेस जो करने थे कुछ कॉल्स कुछ कभी फिर सोई कभी फिर जागी तो बस ऐसे ही है अब मेरी रवानगी है कोई 15 मिनट में मैं होटल से निकल रही हूँ तो आपने ये मुख्तसर सी वीडियो देखी मेरी थोड़ी सी देर का टाइम जो मैंने इरसा के साथ गुजारा लिबर्टी में लास्ट टाइम जो मैंने आपको लिबर्टी दिखाया था वो और तरह का लिबर्टी लिबर्टी की दूसरी साइड दिखाई है हमने हम ज़्यादा खुश हों जूतों और इस तरफ रहे और कपड़ा लिया मैंने नबीहा के लिए सो आई होप शी लाइक्स इट एंड
खैर खैरियत से कराची पहुंच के आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें बेहतरीन इंसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुनिया और आखरत का बेहतरीन बैलेंस अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।